हेलो एवरीवन, दिनांक 12/7/2021 को उपायुक्त श्री निशांत कुमार यादव द्वारा जिला करनाल में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चल रहे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सरकारी कार्यालयों में शुरू की जा रही 10 कैंटीनों व 8 हैफर्ड आउटलेट का उद्घाटन किया गया। वहीं उपायुक्त द्वारा करनाल जिले के 205 स्वयं सहायता समूह को 4,69,00,000 रुपए के बैंक लोन के चेक भी बांटे गए और सभी समूह सदस्यों को नए रोजगार स्थापित करने हेतु प्रेरित किया गया। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि आज 6 खंडों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 10 कैंटीनें शुरू की गई हैं, जिससे कि उन्हें एक स्थायी रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। आने वाले समय में सभी खंडों के BDPO कार्यालय, तहसील, SDM कार्यालय, सरकारी अस्पताल, बिजली दफ्तर, नगर निगम कार्यालय, जहां भी लोगों का आना जाना रहता है, उन सभी जगह समूह के सदस्यों द्वारा कैंटीन शुरू की जाएगी। इसके बाद उपायुक्त द्वारा गांव स्टोंडी में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा शुरू किए गए हैफेड आउटलेट का भी उद्घाटन किया गया। वहीं श्री गौरव कुमार CEO जिला परिषद द्वारा बताया गया कि प्रयोगात्मक रूप से जिला करनाल के सभी 8 खंडों में हैफर्ड का एक एक आउटलेट शुरू किया जा रहा है। इस मौके पहुंची स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बताया गया कि 2014 से लेकर अब तक मिशन से उन्हें क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं, व उन्होंने बताया कि मिशन के माध्यम से ही उन्हें समय समय पर ज्ञान, कौशल, आजीविका व वित्तीय सहायता प्राप्त होती रहती हैं। और अंत में जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री जुबन शालू द्वारा समूह सदस्यों को कंटीन व हैफेड आउटलेट शुरू करवाने हेतु उपायुक्त का धन्यवाद किया गया। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियों से करना चाहूंगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद भी ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, वो कहीं भी आग लेके आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। माननीय उपायुक्त महोदय, CEO सर, SDM पूजा मैम, तहसीलदार महोदय, BDO साहब, मैं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर, आज का दिन निश्चित तौर पर हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज हम देखते हैं सर कि आपके कार्यक्रमों से 10 शासकीय संस्थानों में जो है कैंटीन की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा 8 हर ब्लॉक में एक एक सेंटर पर जो है भी शुभारंभ जो है आपके माध्यम से हो रहा है सर। यह सिर्फ और सिर्फ CEO सर और आपके प्रयासों का परिणाम है, जो हमारी हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं उनको ये मौका मिल पाया है कि वो एक स्वरोजगार का एक समूही माध्यम जो है अपने लिए चुन सके। सर, अगर प्रशासन का सहयोग इनको इसी तरीके से मिलता रहेगा तो मैं निश्चित तौर पर इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि ये अपने मेहनत से जो है इतिहास में अपने नाम को जो है रोशन पन्नों में दर्ज कर सकती है। सर, अब तक 4,020 स्वयं सहायता समूह जो है वो हरियाणा राज्य आजीविका मिशन करनाल के द्वारा जो है बनाए गए हैं सर, वो पूरे राज्य में सर्वाधिक हैं सर। और इसके अलावा सर, अब तक प्रशासन के सहयोग से 69,90,000 का इनके सब तक जो हो चुका है सर, वो भी पूरे राज्य में जो है सर एक सर्वाधिक आंकड़ा है सर। और ये सारी चीज़ें जो है सर एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हुई है, क्योंकि सर हम जब देखते थे इस मिशन का जो शुरुआत है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में जब हुआ था, तो वहाँ पर प्रशासन ने बहुत सहयोग किया था महिलाओं को उनकी क्षमता को निखारने के लिए और उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को जो है सही करने के लिए। जैसा कि आपने सर वहाँ पर कहा था, उसी तरीके से वहाँ पर भी कन्वर्जेंस मॉडल में जो SHG के प्रोडक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू परचेज किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एक माध्यम मिल पाता है सर। और बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से भी कुछ जो जिला स्तर के ट्रेनिंग सेंटर जो है
लेकिन आपको जो शुरुआत मिली है कि आजीवन रमण एक्सप्रेस योजना का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो शुभारंभ किया था, या कोरोना काल के दौरान आपके द्वारा जो है सर मास्क से सेंटर की शुरुआत सेंटर बारह से की गई थी, या सीओ सर के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया था उसमें मनरेगा के तहत जो है सर्वाधिक जो है सर 50% से भी अधिक जो मैक्स हैं हर ब्लॉक में वो एस एच जी मेंबर्स को जो है सर वो बनाया गया है सर। इसके अलावा के तहत से जो वृक्षारोपण में भी जो है स्वयं सेवक समूह की जो महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया, तो ये वो अभिनव प्रयास है सर जो कि किसी और जिले में देखने को नहीं मिलते हैं। सिर्फ ये प्रशासन के सहयोग है जिसकी वजह से महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए इतना मौका मिला है, और भविष्य में जब इस प्रकार के अवसर मिलेंगे तो सर निश्चित तौर पर एस एच जी जो है उसको हाथवाद लेंगे, और इन प्रयासों से एस एच जी सदस्यों के जीवन में जो बदलाव आए हैं उसकी वानगी को समझाने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा रीना जी को। रीना जी वो आए और मंच के माध्यम से हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के जीवन में आर्थिक और सामाजिक जो जो भी बदलाव आए हैं संक्षिप्त रूप में इस मंच को बताएं। डीसी महोदया, सीओ महोदया, एसडीएम मैडम और वीडियो सर का हार्दिक अभिनंदन करते हैं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से। और आज हमको बहुत खुशी हुई कि आज हमारे बीच में हमारे अधिकारी अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए और सभी महिलाओं का हौसला बढ़ाया। महोदय जी को बताना चाहेंगे कि हमने तो जो 2014 में अपनी यात्रा शुरू की थी परियोजना के माध्यम से, तो आज हम किस मोड़ पर खड़े हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे। अगर बात की जाए करनाल जिले की, हमारे महोदय जी हमारे करनाल जिले में जो स्वयं सहायता समूह की संख्या है वो 4020 है, और इसी के साथ जो गोरोंडा में स्वयं सहायता समूह की संख्या है वो 755 है, और इसमें जो करनाल जिले में 4020 स्वयं सहायता समूह है इसमें जो परिवार जुड़े हुए हैं वो हमारे 44109 परिवार है, और गोरोंडा में 755 समूहों में हमारे 8500 परिवार जुड़े हुए हैं। यह जो हमारा 40,000 का आंकड़ा है, हम सभी महिलाओं का अब भी यही हौसला है कि हम इस 40,000 के आंकड़े को जल्द ही 60,000 तक लेके जाएंगे। सब महिलाओं की हमारी यही सोच है। आगे महोदय जी को बताना चाहेंगे कि हमारे जो ग्राम संगठन है वो करनाल जिले के 277 ग्राम संगठन है, और इसके साथ गोरोंडा में हमारे ग्राम संगठन 63 है। इसके ऊपर हमारी एक और फेडरेशन है सीएलएफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो हमारी करनाल जिले में 11 है, और इसके साथ गोरोंडा में हमारी 4 है। और जैसा कि हम बैंकों से संबंध जोड़ते हैं तो इसी के साथ रिवॉल्विंग फंड है, इसका मकसद सिर्फ इतना ही है ताकि हम बैंकों से जुड़ने से पहले हम लेन देन करना सीख जाए। हमारी जो करनाल में आरएफ की जो संख्या है समूह 3335 है, इसी के साथ जो गोरोंडा की है वो 705 समूह को आरएफ प्राप्त हो चुका है। हमारी जो रिवॉल्विंग फंड की जो राशि करनाल जिले की है वो 3,94,00,000 रुपए है, इसी के साथ जो हमारी गोरोंडा की आरएफ की जो राशि है रिवॉल्विंग फंड की वो हमारी 3,80,50,000 रुपए है जो समूहों को प्राप्त हो चुकी है राशि। आगे जैसे हमारा जो सीआईएफ है जो हमारे फेडरेशन बनाई जाती है ग्राम संगठन हो चुकी है, इसके साथ हमारी गोरोंडा की 3,15,00,000 रुपए जो ग्राम संगठनों को सीआईएफ के रूप में प्राप्त हो चुकी है। जैसा कि हम बैंकों से अपना संबंध जोड़ते हैं, ग्रुपों को बैंकों से जोड़ते हैं, तो हमने फर्स्ट डोज से सर शुरुआत की थी, फर्स्ट डोज सेकंड डोज थर्ड डोज करते करते हम फोर्थ डोज तक पहुंच गए हैं, और जो भी आज हमारी करनाल जिले की जो बैंकों की राशि है वो 10,70,00,000 रुपए 69,90,00,000 रुपए है जो कि पूरे हरियाणा में सर्वाधिक है। इसी के साथ हमारी जो बैंक की गोरोंडा की जो राशि है 22,36,31,000 रुपए जो समूहों को लोन के रूप में प्राप्त हो चुकी है जो कि हमारा करनाल जिले में सबसे ज्यादा है। इसके साथ हमारी महिलाओं ने जैसे
अपने पतियों का रोजगार नाम दिलवाया, उनका कारोबार बढ़ाया। इसके साथ उन्होंने अपने जो शिक्षा को बढ़ावा दिया, वो जो कई महिलाएं ऐसी हैं, मैं खुद भी उसमें, कि जो हमारी 10 से 15 साल से हमारी जो शिक्षा छूटी हुई थी उसको भी बढ़ावा दिया है। इसी के साथ हमारी जो आंतरिक लेन देन की जो घोटा की राशि हमारी 51,10,82,000 रुपये है, जिसका हमने लेन देन कर लिया है। हमारी यह राशि करोड़ों तक पहुंच गई है। हमारी कुल ऋणियों की संख्या जो करोड़ों की है 4,640,651 है जो हमारी करोड़ों की। और इसी के साथ सर हमारा जो बैंकों से ब्याज मिलता है, एक हमारा आपसी जो ब्याज है उसको हम सूद आय बोलते हैं। तो हमारी जो करोड़ों ब्लॉक में हमारी सभी स्वयं सहायता समूह के मेंबरों की जो हमारी सूद आय है वो 1.5 करोड़ 25 लाख रुपए है जो मेंबरों की है। इसी के साथ आगे महोदय जी को यह बताना चाहूंगी कि हमारे ग्रोंडा में स्वैप का प्रोजेक्ट चला हुआ है, उसमें हमारे ग्रोंडा में 881 आजीविकाएं हैं, जो अपना उसमें हर प्रकार की दुकानें हैं, रेडी है, फास्ट फूड का है, जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक, ये हर प्रकार की दुकानें जो महिलाओं ने अपनी आजीविका के रूप में कर रखी है। आगे हमारी जो आजीविका की जो करनाल जिले की बात की जाए तो करनाल जिले में टोटल हमारी आजीविका की जो संख्या है वो 10,450 है। इसी के साथ हमारी गोरोंडा की 3,547 है जो समूहों ने ग्रुपों से जो पैसा लेके अपनी खुद की आजीविकाएं की है। इसी के साथ हमारा जो आजीविका की राशि है गोरोंडा ब्लॉक की वो हमारी 21,28,50,000 रुपये है। इसी के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। अब मैं सर को भी बताना चाहूँगा कि सर कॉलेज के दौरान जो है सर मुझे एंकरिंग करने का शौक था, लेकिन जब इन महिलाओं को मैं देखता हूँ सर कि इतने बड़े अधिकारियों के सामने जो है बात कहना और रख पाना इतना आसान नहीं होता है। कई अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है सर कि इवन मेरी भी सर की हार्ट बीट जो है बढ़ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से कोई एक वर्ड जो है वो गलत निकल जाए। तो जिन महिलाओं के लिए अपने घर से निकलना इतना आसान नहीं था, अपने पति से पूछ के कि वे मैं ग्रुप में जुड़ूं या नहीं जुड़ूं, वहां से 2014 में शुरुआत हुई थी सर, और आज स्टेज पे आना और इतने आत्मविश्वास सर से बोलना, ये मिनी बैंक की तरह काम करते हैं सर कि इतना जो पैसा है, जो 100 रुपए से जो बचत की शुरुआत हुई थी वो आज 51 करोड़ का जो आंतरिक लेन देन है वो केवल और केवल करोड़ों का हो चुका है। इसका मतलब यह सर कि तकरीबन 60,000 से ज्यादा रुपया एक एक मेंबर को मिल चुका है, और एक मेंबर ने कम से कम 5 या 6 बार जो मल्टीपल टाइम्स जो है वो लोन उठाया है। इससे ना केवल इन्होंने अपनी आजीविका को चलाया बल्कि अपने पति के स्वरोजगार को आगे बढ़ाया। जो पतियों को अगर कुछ काम करने के लिए आवश्यकता होती थी उनको जो पैसा नहीं मिलता था वो इन्होंने अपने SHG से दिलवाया, उससे इनकी जो पहचान है अगेन अपने परिवार में काफी बढ़ी। और पहले निर्णय लेने की जो बात आती थी उसमें कभी इनकी भागीदारी न के बराबर हुआ करती थी, लेकिन अब परिवार के जो निर्णय होते हैं उनमें इनसे पूछा जाता है। इवन जब CRP राउंड होते हैं, जब 15-15 दिनों तक SHG के मेंबर को बाहर जाना होता है तो उनके जो पति हैं वो उनको छोड़ने के लिए आते हैं। तो ये जो बड़ा बदलाव है हमने 5-6 सालों में देखा है सर, ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो निश्चित तौर पर इसमें प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है सर, इसी वजह से इस चीज को वो आगे बढ़ा पाए। और अगर इसी प्रकार का सर सहयोग रहेगा तो निश्चित तौर पर सर ये जो आज करोड़ों की जो राशि है वो गर्भ में भी बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। माननीय उपायुक्त महोदय के कर कमलों से आज 4,69,00,000 का जो बैंक ग्रेड है वो आज यहाँ के अलग अलग ब्लॉक्स को वितरित किया जाएगा महोदय। उसमें 205 स्वयं सहायता समूह है और उन 205 स्वयं सहायता समूहों को एक प्रतिकृति के रूप में जो है वो बैंक लोन की राशि दी जाएगी। तो मैं बारी बारी से ब्लॉक्स का नाम दूंगा, उनकी संख्या बताऊँ, तो वो उस ब्लॉक के प्रतिनिधि कृपया स्टेज पर आकर माननीय महोदय के माध्यम से जो है उसको प्राप्त करें। सबसे पहले गरुड़ा ब्लॉक से, गरुड़ा ब्लॉक से 55 SHG है, उनको 1,61,00,000 की जो राशि है वो बैंक ग्रेड के रूप में दी जाएगी। मैं चाहूंगा सभी तालियों के साथ में उसका बनाएं 1,61,00,000 55 स्वयं सहायता समूह को। इसके बाद में मुनक ब्लॉक के लिए
1,42,41,41 समूहों को 1,42,00,000 की राशि जो है वो आज चेक के रूप में प्रदान की जा रही है। अब अगली बार ये नीलों के लिए 15,13,00,000 स्वयं सहायता समूहों को 15,00,000 की जो राशि है वो प्रदान की जा रही है। सभी तालियां बजाते रहें। अगला है इंद्री, इंद्री जो 24,37,37,00,000 रुपए की राशि जो है प्रदान की जा रही है। इंद्री से 24,37,37,00,000 असम 49,91,00,000 की राशि जो है वो प्रदान की जा रही है असम ब्लॉक से। अगला है कुंजपुरा, कुंजपुरा के 8,10,00,000 की जो राशि है वो बैंक ऋण के रूप में दी जा रही है। अगले करनाल, करनाल के 15,36,00,000 36,00,000 की जो राशि है वो बैंक ऋण के रूप में दी जा रही है। सभी तालियां बजाते रहे और अपनी बहनों का उत्साह इसी तरीके से बढ़ाते रहे। महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि स्टेज की शोभा को दोबारा गरिमा में और अधिक से बढ़ाएं। तो इस प्रकार 205 स्वयं सहायता समूह के 2,460 परिवारों को जो है आज 4,70,00,000 की जो बैंक ऋण राशि है जो वो इस वित्त वर्ष में जो दी गई है उसको प्रदान किया गया है, जो कि सर पुनः इस वित्त वर्ष में जो 3 महीना हुआ है उसमें सर्वाधिक राशि है जो कि पूरे हरियाणा में जो है इसको प्रदान किया गया है। सर निश्चित तौर पर जो एक कहावत है कि हम चलते गए और कारवा बनता गया, जो एक सदस्य ने जो अपनी शुरुआत की थी यात्रा की वो यात्रा जो है आज अपने मध्य पड़ाव पर पहुंच चुकी है और निश्चित तौर पर हम सभी का जो संकल्प है वो गर्वण अपनी आजीविका को और ज्यादा बढ़ाना होगा। और आप सभी से भी मैं चाहूंगा कि प्रशासन जब हमें इतना सहयोग करता है तो उसको जो है हम दोनों हाथों से उस अवसर को और इस तरीके से अपनी काम की निशानी या काम की छाप को छोड़े कि हर जगह से ये आवाज आए कि अगर हमें खाना बनाना है तो उस स्वयंसेवा समूह की मेंबर बनाएगी, अगर कहीं पर हमें मिठाई बनानी है तो उस स्वयंसेवा समूह के सदस्यों के द्वारा बनाई हुई होनी चाहिए। इस प्रकार का जो है इंप्रेशन या इस प्रकार का जो भाव है आपको अपने काम के माध्यम से जो है यहाँ पर दिखाना है और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस प्रकार के चीज़ों को निभाएंगे और उस चीज़ को करेंगे। दो पंक्तियां जो है वो सखी खिदमत में पेश करना चाहूंगा कि मुद्दतों बाद फिर एक शुरुआत हुई है। हवाओं में बदलाव की बयान होनी है, बदले की फिजाएं ये मुमकिन है दोस्तों, बदले की फिजाएं ये मुमकिन है दोस्तों, उम्मीदों पर ही जो कायम की दुनिया हुई है। इन पंक्तियों के साथ मैं हमारे कुशल मार्गदर्शक वासी और श्री गौरव सर से अनुरोध करूंगा कि वो अपने उद्बोधन से हमें जो है वो प्रेरित करें और हमारा मार्गदर्शन प्रदान करें। गौरव सर धन्यवाद। सुबिन सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आभार जताऊंगा कि माननीय उपायुक्त महोदय श्री निशांत यादव जी का कि उन्होंने समय निकाला। सर आप सबको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि ये जो आज कैंटीन का भी शुभारंभ हो रहा है इसके पीछे की सोच उपायुक्त महोदय की थी कि सभी सरकारी दफ्तरों में जितने भी हैं उनमें कैंटीन का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं द्वारा किया जाए। सर साथ ही साथ हम आज हेफेड की भी 8 कैंटीन 8 आउटलेट्स प्रति ब्लॉक एक एक जगह चिन्हित करके एफर्ट से टाइप करके शुरू करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ मनरेगा में भी एक प्रयास है कि जितने भी मेड लगते हैं जो हाजिरी लेते हैं मजदूरों की साइट पे उनमें भी कम से कम ऐसी 50 साइटों पे प्रत्येक ब्लॉक 50% मान लीजिए सर इस ब्लॉक में अगर 80 जगह काम चल रहा है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें से 40 जगह कम से कम महिला मेड हों। ऐसे विभाग के भी निर्देश हैं और उसमें आगे और प्रयासरत है कि इससे ज़्यादा ही जो है संख्या में महिलाओं को जो है आजीविका का साधन मिले, चाहे वो सर कैंटीन के रूप में हो या हैफिड के आउटलेट या नरेगा में मेड के रूप में कार्यरत रहें या और भी अन्य आजीविका के जो जो साधन नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ
ट्रेनिंग एक सेंटर भी सर जो आपके सहयोग से आपके निर्देश में जो है जल्द ही उस पर काम शुरू किया जाएगा, उससे भी बहुत गति मिलेगी कि हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को एक अच्छी ट्रेनिंग मिल पाएगी। उस ट्रेनिंग से वो अपने व्यवसाय अपने जो आगे वो कार्य करना चाहते हैं अपने आजीविका के रूप में उसे भी वो भली भांति कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर अगेन सर। सारी चीज़ों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपका काफ़ी योगदान रहा है सर, तभी ये चीज़ आज मुमकिन हो पाई है। कहते हैं कि बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियों के द्वारा जो है मैं हमारे प्रेरणादायी डीसी सर जिन्होंने की हर बाधा को लांघकर जो है हमें एक राह दिखाई है, ऐसे सर से मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अपने उद्बोधन से जो है की ओर जो थोड़ा सा और जो पथ है वो हमें दिखा सर। आवाज आ रही है अपनी पीछे। आज के इस अवसर पर जिला प्रशासन में मेरे साथी सीओ जिला परिषद गौरव जी, हमारी घरोंडा की एसडीएम मैडम पूजा भारती जी, घरोंडा के तहसीलदार साहब वीडियो साहब, हमारे एचएसआरएलएफ के जिले के डीपीएम जुबिन शाहू जी एवं एचएसआरएलएफ की जो अलग अलग ऐसे चीज हैं हम सब की सबसे जुड़ी हुई महिलाएं बहने, एक तो बड़ा गर्व का विषय है आप मुझे अभी तक यहाँ बुलाया गया, और विशेष रूप से जो हमारा लोक कार्यालय है उसके कैंटीन की स्थापना एसएचजी की महिलाओं ने की है चला रही हैं। मेरा वहाँ कैंटीन के अंदर जाना हुआ और मैंने देखा कि काफ़ी जो उनके प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है और काफ़ी प्रैक्टिकल आइटम्स वहाँ रखे हुए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से कैंटीन अच्छी चलेगी। कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे होते हैं जो कई बार सस्टेनेबल नहीं हो पाते, एक बार शुरू तो कर दिया लेकिन बाद में कोई अड़चन आ जाती है, उतने खरीदार नहीं मिलते, उस तरीके तो ठीक से नहीं चल पाती, लेकिन ये कैंटीन को देख के मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ क्योंकि उसमें जिस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया गया था, रखी हुई थी, क्वालिटी थी, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि ना केवल घरोंडा ब्लॉक में जो कैंटीन शुरू की गई है बल्कि पूरे जिले के जितने भी सरकारी कार्यालय है, जो एक प्रस्ताव है प्रोजेक्ट है कि हर जगह कैंटीन एसएचजी की महिलाओं द्वारा चलाई जाए, तो ये एक बड़ा सफल प्रयोग साबित होगा ऐसा मैंने माना है। और इसके लिए मुझे अभी तक अभी बताया गया है कि 10 कैंटीन हमने जो है तैयार कर दी है, शुरू हो गई है हमारी और बाकी भी जल्दी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए मैं आप सभी की पूरी टीम को जिले के डीपीएम को और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमारे सीईओ हैं गौरव जी को बधाई दूंगा, खुद की मेहनत का नतीजा है, खुद के इनिशिएटिव लेने का नतीजा है कि उन्होंने इतने कम समय में इतने अच्छे तरीके से इस योजना को क्रियान्वित किया। और साथ ही में मुझे अभी तक हमें अपनी जो जगह जाना है वहाँ हैफेड के आउटलेट्स भी शुरू करने की योजना जो है शुरू की है, उसमें 8 हैफेड आउटलेट्स हम शुरू कर रहे हैं जिसमें एसएचजी की महिलाओं के द्वारा वहाँ आउटलेट्स चलाए जाएंगे। ये भी अपने आप में एक बड़ा वेलकम इनिशिएटिव है क्योंकि जिले में जैसे मुझे बताया गया लगभग 4000 हमारे स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं। अगर अमूमन देखा जाए एक स्वयं सहायता समूह में 10 महिलाएं हैं तो यानी 40,000 महिलाएं इस योजना से जिले में जुड़ी हैं, यानी 40,000 परिवार जुड़े हैं और एक परिवार में आप मोटा मोटा 5 से 6 लोग अगर मानोगे तो यानी 2.5 लाख की आबादी जो है सर जी इससे एचएसआरएलएफ से स्कीम से योजना से जुड़ी है, क्योंकि पूरे जिले की आबादी का लगभग 15 से 20% है, तो यानी हर इस जिले में रहने वाले हर 5 में से एक आदमी का जुड़ाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस स्कीम के साथ है। इस फैक्ट से हमें ये पता चलता है कि ये स्कीम अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इम्पोर्टेंट है। जो अभी जुबिन ने बताया मैं बता रहा था कि महिलाओं में इस तरह की कॉन्फिडेंस आती है, अपने आप में आत्मविश्वास आता है कि अपनी बात रख पाएँ, आंकड़े दे पाएँ, डेटा दे पाएँ,
माइनक्राफ्ट एज एडीसी, क्योंकि मैं इस स्कीम का इंचार्ज था, देखा करता था, और कई बार आपके जो साप्ताहिक बैठकें होती हैं, वीकली मीटिंग्स होती हैं, उनमें बैठने का जाने का मौका मिला। तो उसमें मैंने देखा कि चेक पूरी ग्रुप में 10-12 का ग्रुप हो, 8 का ग्रुप हो, कोई भी महिला हो, उसको खड़ा करके पूछा जाए तो काफ़ी हद तक हो, चाहे वो अकाउंट्स की बात हो, चाहे वो एस एच जी के फायदे हों, नुकसान हो, बेरोकोक तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी बात रख पाती है। मेरा मानना है कि जो ये स्कीम है इसका सबसे पहला लक्ष्य यही है कि महिलाओं में आत्मविश्वास को जगाना, ताकि वो अपनी बात स्पष्ट रूप से सीधे सीधे रख पाए। दूसरा तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, वो फिर आगे आता है कि किस तरीके से इनकम जनरेशन की जाए, किस तरीके से रोजगार दिया जाए। तो आज जो हम पूरे इनिशिएटिव आज इनोग्रेट किया, शुरुआत की, वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेरा मानना है कि हमने पहले ही अचीव कर लिया है, क्योंकि चाहे कोई भी महिला हो इस हॉल में भी या कहीं भी एस एच जी का कोई भी प्रोग्राम हम देखें, चाहे कोई भी महिला हो, अगर किसी से भी बोलने के लिए कहा जाए तो चाहे कितनी बड़ा ग्रुप हो, कितनी बड़ी भीड़ हो, वो आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सकते हैं। और ये जो आत्मविश्वास है इसका ना केवल उस महिला को बल्कि पूरे परिवार को फायदा मिलता है। आप में से कई लोगों के ज़्यादातर के बच्चे अभी स्कूलों में ही होंगे, पढ़ रहे होंगे, कईयों के सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, कईयों के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे। मैं जब अपने स्कूल में पढ़ता था तो मैं, मेरी एजुकेशन सरकारी स्कूल से हुई, मैंने सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई की है, और मेरी माता जी हैं गवर्नमेंट स्कूल में ही टीचर हैं, अब तो लेक्चर हो गए, उस टाइम के टीचर थे, और मैं अकेला ऐसा बच्चा था जिसकी मदर वर्किंग थी, क्योंकि गाँव में आमतौर पर महिलाएँ रोजगार में नहीं होती, उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी गर्व की अनुभूति होती थी कि भाई मेरी माँ है, जो मेरी मदर है, वो देखो पढ़ी लिखी भी हैं, टीचर भी हैं, स्पष्ट तरीके से अपनी बात रख पाती हैं, मुझे पढ़ाती भी हैं, सही तरीके से सपोर्ट भी करती हैं। और ये कहीं ना कहीं बच्चे में भी अपने आप में कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास पैदा करते हैं। तो आपका जो आत्मविश्वास है, जो आपकी नॉलेज है, आपकी क्षमता है बोलने की, अपनी बात रखने की, पढ़ने की, पढ़ाई लिखाई करने की, वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे में भी या आपके परिवार में भी ट्रांसफॉर्म होती आगे जाती है। तो ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव, इस स्कीम का मुद्दा ही यही है कि भाई गाँव में घर के स्तर पर जब फैसले लिए जाए तो महिलाओं का भी उसमें हक हो, महिलाओं से भी पूछा जाए कि भाई अगर मान लो कोई रोजगार शुरू करना है, कोई किराने की दुकान करनी है, कोई पशु खरीद के लाना है, डेयरी करनी है, गाय भैंस खरीद के लेके आनी है, कोई खेत पटाई पे देना है, पट्टे पे देना है, जो कोई भी फैसला हो तो उसमें पुरुष प्रधान फैसला ना हो, महिलाओं से भी पूछा जाए। और महिलाओं से तब पूछा जाएगा जब एक तो उनमें कॉन्फिडेंस होगा, उन्होंने बाहर की दुनिया देखी होगी, वो अपने घर से बाहर निकली होगी, उनको नॉलेज हो, और दूसरा उनके हाथ में फाइनेंशियल पावर भी हो, वित्तीय शक्ति भी हो। तो ये जो लोन का चीज़ है, लगभग बताया गया 70 करोड़ के लोन जो है हमने अब तक बांटे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके थ्रू महिलाओं को वित्तीय शक्ति मिलती है, फाइनेंशियल पावर मिलती है, ये भी बेसिकली हमारे घर में अपने फैसले लेने में स्ट्रेंथन करती है, मजबूत बनाती है। क्योंकि जब महिला जो लोन लेके आएगी या पैसे कमा के लेके आएगी तो निश्चित रूप से घर में फिर महिला की बात भी मानी जाएगी। तो ये अपने आप में, और मैं इनफैक्ट इस चीज़ से बड़ा एग्री करता हूँ, एज ए डी सी हम कई बार लोन डिस्ट्रीब्यूशन कराते थे, बैंक वाले कई बार आपत्ति करते थे, ऑब्जेक्शन करते थे, जो बैंक वालों से बात होती थी तो मैं यही कहता था हमेशा उनसे कि भाई ये सबसे एक ऐसा ग्रुप है तो अपने सबसे कम डिफॉल्ट करेगा, ये कभी भी ये जो ग्रुप है हमारा जो पर्टिकुलरली एस एच जी समूह है, आप इनको अगर लोन देते हो तो कभी भी आपसे डिफॉल्ट नहीं करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका लोन ना चुकाए, लोन लेके भाग जाएंगे, इस तरह का कभी नहीं करेंगे। महिला जो है वो घर चलाना भी जानती है, सेविंग्स करना भी जानती है, और अगर उसको चाहे 100-200-500 रुपये जोड़ करके भी जो है लोन चुकाना पड़े तो वो धीरे धीरे करके चुकाएंगे। तो ये अपने आप में इस जो परियोजना, इसकी ब्यूटी है, इसका महत्व है। और बात मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि महिला को किस तरीके से स्वरोजगार दें, किस तरीके से उनको उनको फाइनेंशियल पावर्स दें, उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाया है। और दो तीन चीज़ें और अभी बताई जा रही थी, अगेन मुझे बड़ी खुशी भी है, बताया गया कि जैसे नरेगा में भी हम जो फीमेल एस एच जी की महिलाएँ हैं उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं पेड के तौर पर, अपने एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है।
साथ ही जो डिपोज हैं, एफपीएस एफएलपी शॉप्स हैं, उसमें भी हालांकि किसी कानूनी बाध्यता की वजह से ये तो संभव नहीं हो पाया कि जो डिपो हैं वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के ही नाम अलॉट कर दिए जाएं। बट एक चीज़ हमने जरूर कोशिश करेंगे कि जो डिपो होल्डर्स डिफॉल्ट करते हैं, जिनके डिपो रद्द कर दिए जाते हैं किसी वजह से, उनके बदले जो किसी को नया डिपो अगर दिया जाए तो ऐसा चीज की महिला हो, ये जरूर हम एटलीस्ट स्टेट स्तर पर ना हो पाए तो जिले स्तर पर जरूर उसको। और मैं आमतौर पर जनरल जिले स्तर के जितने भी अधिकारी हैं सबसे बताता हूँ, शेयर करता हूँ कि जो सबसे हमारे अनुशासित जिसको मैं कहूँ वर्कर्स हैं, लोग हैं, तो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। और इसलिए जब भी कभी जरूरत पड़ती है प्रशासन को किसी भी चीज़ में सहयोगदान की, तो सबसे पहले सचिव महिलाओं का जो बात है वो दिमाग में आती है। इसी उपलक्ष्य में फॉर एग्जाम्पल एक प्लांटेशन ड्राइव हमने गाँव में चलानी थी, किस तरीके से उसमें प्लान था कि हर एक गाँव में 100-200-400 पौधे लगाए जाएँ। और उसमें जब ये बात सामने आई तो सबसे पहले इनफैक्ट जो सी ओ जिला परिषद है गौरव जी, ये उसकी जो प्लानिंग कर रहे थे, तो सबसे पहले एक बात दिमाग में आई कि स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको सबसे पहले इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि अगर उनको जिम्मेदारी दी जाएगी तो निश्चित रूप से वो इसको अनुशासन के साथ और सिंसियरली से निभाएंगी। और इसीलिए करनाल में लगभग 384 पंचायत हैं, उसमें से 200 पंचायतों की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही दी गई है। मुझे भरोसा है कि आप में से आप जो यहाँ महिलाएं बैठी हैं काफ़ी उनको ये जिम्मेदारी मिली होगी और आप इस जिम्मेदारी को अच्छे से बखूबी से निभाएंगे। इसी प्रकार से जब वैक्सीनेशन की बात आई कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन कराए, तो उसमें भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जब याद किया गया और अभी मुझे सी ओ साहब बता रहे थे कि लगभग 15,000 के करीब यानी 40,000 में से 15,000 महिलाओं को तो लगभग 45% महिलाओं का वैक्सीनेशन ऑलरेडी किया जा चुका है। बाकियों को भी मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी कोरोना का वैक्सीनेशन करा लें ताकि महिलाओं को भी ये नज़र आए कि भी सरकार भी प्रशासन भी उनकी उनकी तरफ जो है ध्यान देता है, उनकी कदर करता है, केयर करता है। तो लमसम मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे पूरा विश्वास है कि विशेष रूप से जो कैंटीन वाला आइडिया है, जो हैफेड का जो आउटलेट है उसका आइडिया है, ये अपने आप में सफल साबित होंगे। और करनाल से हम क्योंकि यहाँ की टीम SSRL की सबसे अच्छी है और CEO साहब की जो मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, तो करनाल की टीम का जो इनिशिएटिव है वो निश्चित रूप से पूरे हरियाणा में रेप्लिकेट किया जाएगा। और हम अगर इसको सक्सेसफुली रन करते हैं, जितने भी हमारे कैंटीन्स हैं, निश्चित रूप से हम स्टेट लेवल पर बात अपनी कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं कि जिस तरीके से करनाल में सभी दफ्तरों में स्वयं सहायता समूह की बहनों बहनों ने कैंटीन चलाई है, वैसे पूरे हरियाणा में सभी सरकारी दफ्तरों में SHG की महिलाओं के द्वारा कैंटीन चलाई है। तो हमारे ऊपर एक तरीके से बड़ी जिम्मेदारी भी है कि हमने उनको सक्सेसफुल सफल साबित करके दिखाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि गौरव की अगुवाई में, जुबिन की अगुवाई में, आपकी पूरी टीम के द्वारा जो है अच्छा कार्य किया जाएगा और जल्द सफल होकर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर सर, उसमें से एक चीज़ मैं बताना भी चाहूँगा कि जो कैंटीन का जो इनिशिएटिव था, दो तीन दिन पहले जो है वहाँ पे डिस्कशन हुई, मतलब मीटिंग हुई थी सर, वहाँ पर प्रेजेंट किया था, तो उसको तो ऑलरेडी CEO पंचकुला ने जो अडॉप्ट कर लिया और सारी टीम डिस्ट्रिक्ट को कह दिया कि वन ब्लॉक वन कैंटीन जो है उस मिशन को जो है आगे लेके जाए। और अभी हेबिट हम लोग का प्रायोगिक तौर पर होगा, उसकी सफलता के बाद निश्चित तौर पर सर वो भी जो है पूरे स्टेट लेवल पर ही उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा सर। इसके अलावा एक सोशल ऑडिट के लिए भी सर ने बात करनी थी कि सोशल ऑडिट का जो है वो काम जो है वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको मिले, ताकि वो ऑनेस्टली जो है बाकी डिपार्टमेंट्स का जितना भी जो ऑडिट है वो कर सके। और सर मुझे आज याद है आपकी जब लास्ट विजिट सर टोंडा में हुई थी, तो उस समय भी सर हम लोगों ने जो है यहाँ पर पेन क्लोज के जो चेक थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जब जैसे ADC हम लोगों को आपका मार्गदर्शन मिलता रहा था सर। लास्ट ईयर भी जो है सर हम लोगों ने कोरोना के दौरान 17 करोड़ से ज़्यादा जो है वो बैंक लोन उपलब्ध करवाया था, तो हम लोग का पूरा प्रयास होता है सर कि जितना भी हो सके अधिकतम जो बेनिफिट है वो SHG के मेंबर्स को मिले। और इससे भी इसके मुमकिन हुआ सर कि प्रशासन सदैव जो है वो करनाल की स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ कर रहा है सर। इन लोगों के स्ट्रेंथनिंग के बाद में जो है सर ग्राम सभाओं में इनकी उपस्थिति काफ़ी बढ़ी है, जहाँ जहाँ पर भी स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं वहाँ पर ग्राम सभाओं में जाती है सर। विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान इन्होंने बनाया है सर, और ईज ऑफ लिविंग का सर्वे लोगों ने किया है, और ये भी स्मार्ट इन्होंने स्मार्टफोन पर ही सारे
हमने ऑपरेट किए हैं और उसको ऑनलाइन भी सबमिट किया है और उनका जो उस सर्वे का एक्यूरेसी का जो लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है सर। तो इसी प्रकार आश्वस्त करता हूँ सर कि इस प्रकार का जो समर्थन हमें मिलता रहेगा तो निश्चित तौर पर सर हम आगे और बेहतर प्रयास कर पाएंगे और अपने इस मुहिम को जो है आगे ले जा पाएंगे। इसी के साथ में सर मैं दो वक्तों के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा। समेट लो सितारों को हथेली पर रखने, समेट लो सितारों को हथेली पर रखने, बहुत दूर तक रात की रात होगी, मुसाफिर तुम ही मुसाफिर है हम भी, कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए सहयोग है सर, ये हमेशा।